नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिश्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि बड़े पोस्ट, बड़े रैंक की प्रशासनिक सेवा देने वाली पोस्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अपने हाथ के तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा जैसे हमारे जीवन के होने वाले एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है, इसी प्रकार से ये हमारी मस्तिष्क रेखा हम किसी बात को कितने गहराइयों में जाते हैं उसके बारे में बताती है। और ये हृदय रेखा, जैसे कहते हैं ना कि हम किसी के साथ हमारा कितना अटैचमेंट है, वो हमारी हृदय रेखा बताती है। जब भी हम बड़ी पोस्ट की बात करते हैं, प्रशासनिक की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम सूर्य ग्रह को देखते हैं, सूर्य के पर्वत को देखते हैं। एक ही जहन में नाम आता है सूर्य। सरकार से जुड़ना, सूर्य के कनेक्टिविटी होना। और अगर आपका ये सूर्य की फिंगर बड़ी है और सूर्य की फिंगर के ऊपर एक सूर्य रेखा हो तो आपको सितारों की तरफ नेम फेम देती है। जैसे सबकी सबसे पहले ये बुध की फिंगर है और बुध की फिंगर जो है ना, इस हमारे सन के पहले पोर्ट से ऊपर हो जाए, बड़ी हो जाए। सिर्फ हस्तरेखा का एक नियम है, अगर ये बुध की जो फिंगर है ये कितनी भी बड़ी हो जाए, ये आपके अच्छे गुणों को ही दर्शाती है, आपकी बोली बाणी को प्रखर बना देती है। और इसी के ऊपर ये खड़ी लाइनें आपको बोलने में मास्टर बना देती है। आपको एक तरह की इंट्यूशन होता है, किसी भी क्षेत्र में हो आप पीछे नहीं हटने वाले हैं, उस काम को करके आएंगे, चाहे अपने उस प्रखरता से, उस माइंड से। ये बुध की जो फिंगर है हमारी, जो बुध का पर्वत है, एक्टिविटी आती है, बोलने की कला सिखा देती है, मास्टर बना देती है। इसी प्रकार से ये जो हमारी सन की फिंगर है, सन की फिंगर बड़ी हो और सन की फिंगर के साथ इसके ऊपर एक बड़ी सूर्य रेखा, इसको बड़ी सूर्य रेखा बोलते हैं, ये होती है प्रशासनिक सेवा देने वाली, बड़ी उच्च अथॉरिटी की सेवा देती है। और ये पर्वत बड़ा हो और इस पर्वत पर यहां पर एक वर्गाकार बनाओ, ये वर्गाकार भी बनाओ और इसी वर्गाकार के साथ एक फिश की साइन बनी हो, ये फिश की साइन बनी हो। सरकार को जोड़ने के लिए इन चिन्हों का होना अति आवश्यक है, प्रशासनिक सेवा में तभी आपको ले। और यहां पे एक फेम लाइन जिसको बोलते हैं हम, ये फेम लाइन है, ये फेम लाइन है। फेम लाइन क्या करते हैं, प्रसिद्धि तभी आपकी होगी जब आपके ऊपर आप एक सेवा में होंगे, उच्च स्तर की सेवा में होंगे, तो आपकी फेम होना भी जरूरी है। और ये आपकी एक फेमस रेखा जिसको हम बोलते हैं कि सूर्य रेखा। और इसी के साथ एक प्रबल भाग रेखा, मणिवन से चलकर सन के माउंट तक पहुंचने वाली रेखा को हम भाग रेखा कहते हैं। प्रबलता को देखते हम अपने कैरियर को, जिसको हम कहते हैं ना कि हमारा एक कैरियर अच्छा है, तो हम अपनी फेट लाइन को देखते हैं। और अथॉरिटी तभी आपको मिलेगी जब सूर्य की कनेक्टिविटी, गुरु की कनेक्टिविटी, बुध की कनेक्टिविटी, इन चीजों का ग्रोथ अच्छा होगा। और इसी के साथ एक कॉम्बिनेशन बने, ये मंगल का पर्वत है, इसको हम मंगल का पर्वत बोलते हैं, मंगल है। और इसकी कनेक्टिविटी यहां से सूर्य के पर्वत तक पहुंच जाए, आपको उत्साह भर देगा, जोश भर देगा, आपको पराक्रम देगा, आपके काम करने की शक्ति को बढ़ा देता है मंगल। और वो भी सूर्य का संयोग मिलते ही इंसान एक शिखर पर पहुंच जाता है, मान सम्मान प्राप्त करता है।
और इसी के साथ एक रेखा उच्च पद पे प्राप्त जब भी होगी आपको, सूर्य की कनेक्टिविटी गुरु के साथ भी होना जरूरी है। अब यहां से एक शाखा आपकी गुरु के पर्वत के ऊपर जाती हो, यह आपको उच्च अथॉरिटी देती है, यह आपको पराक्रम दे रही है, यह आपको उच्च अथॉरिटी दे रही है। ऐसे लोग अपने जीवन काल में उच्च शिखर पर पहुंचते हैं और यहां पर एक वर्ग त्रिकोण बनता हो, माफ करना त्रिकोण बनता हो, त्रिकोण ये बनता है। त्रिकोण आपको स्थिरता देता है, एक उच्च पद की प्राप्ति करवाता है और ये गुरु का पर्वत विस्तार लिए हुए हो और यहां पर ऊर्ध्वमुखी रेखाएं जिसको बोलते हैं महत्वाकांक्षाएं रेखाएं हो, ये प्रबलता को दर्शाती है, ये प्रबलता के आपको दर्शाती है। ये जब भी आपकी ऊर्ध्वमुखी रेखा गुरु की पर्वत की तरफ देखती हैं तो आपके किसी भी कार्य को उन्नत की तरफ देखती हैं, आपके विकास की तरफ देखती हैं और ये एक योग बनता है। ये एक के साथ एक ऊर्ध्वमुखी रेखा आपकी पदोन्नत करवाती है और एक कॉम्बिनेशन अगर आपकी ये चंद्र का माउंट है, चंद्र का पर्वत है, ये चंद्र का पर्वत प्रशासनिक सेवा देने वाला एक देश विदेश कहीं भी वो यात्राएं भी करवाता है और एक कॉम्बिनेशन भी बनता है। ऐसे लोग एक शहर से दूसरे शहर का भी जो जिसको कह लेते हैं कि हम दौरा करते हैं और एक दूसरे जगह पे ट्रांसफर होती है तो ये चंद्र का क्षेत्र बताता है। और ये कॉम्बिनेशन आपके हाथ में है इन चीजों का, और ये जो हमारी अंगूठा है, अंगूठे का जो ये वाला पोर है इसको हम थर्ड पोर करते हैं, इस पोर से इसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इससे ऊपर हो जाए और ये इसके साथ होती है। ऐसे लोग सरकारी क्षेत्र में उच्च पद अवश्य प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।